केजीएफ के लिए क्या था रवीना का रूटीन, किसने चमकाया रवीना का लक। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पॉलीग्राड स्टूडियोज। बॉलीवुड एक्ट्रेस रवीना टंडन अपनी खूबसूरती के लिए पूरे इंडस्ट्री में मशहूर है। उनके फैंस उनकी खूबसूरती और उनके फिटनेस के दीवाने हैं। उनकी उम्र भले ही 47 साल हो, लेकिन आज भी उनकी खूबसूरती और फिटनेस इंडस्ट्री के किसी भी न्यू कमर गर्ल को कड़ी टक्कर दे सकती है। इस उम्र में भी रवीना अपनी फिटनेस और स्किन का काफी ध्यान रखती है। फिट रहने के लिए वो ना सिर्फ वर्कआउट करती हैं, बल्कि हेल्दी डाइट की भी मदद लेती हैं। आजकल बॉलीवुड की तो चीज बड़ी है मस्त मस्त गर्ल रवीना टंडन का जलवा हर जगह फैला हुआ है। आजकल रवीना का जलवा ओटीटी पर भी खूब छाया हुआ है। रवीना ने हाल ही में नेटफ्लिक्स के शो अरायनक से एक्टिंग की दुनिया में कमबैक किया है। शो में रवीना ने SHO कस्तूरी डोगरा का रोल प्ले किया है, जो एक मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने में लगी होती है। इस सीरीज में एक तो रवीना की अदाकारी को सभी ने काफी अप्रिशिएट किया है, जिससे एक बात पक्की हो जाती है कि रवीना अपनी एक्टिंग के मामले में आज भी सबसे ऊपर है। इसके साथ जल्द ही रवीना एक्ट्रेस ब्लॉकबस्टर हिट फिल्म KGF के दूसरे पार्ट KGF 2 में नजर आएंगी। इस फिल्म से रवीना कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री में डेब्यू करने जा रही हैं। यश स्टारर इस फिल्म में रवीना टंडन प्रधानमंत्री की भूमिका निभाते नजर आएंगी। इसके साथ ही रवीना टंडन इस फिल्म में अपने किरदार के लिए एक्टिंग के साथ साथ अपने फिजिक के लिए भी काफी मेहनत कर रही हैं। रवीना टंडन अपनी बॉडी को शेप में रखने के लिए योगा करती हैं। उनका इंस्टाग्राम अकाउंट इस बात का सबूत है कि रवीना अपनी फिटनेस को लेकर बहुत ही सीरियस रहती हैं। योगा के अलावा उनके फिटनेस मंत्र में कार्डियो और स्विमिंग भी शामिल है। उन्हें डांस करने का बहुत शौक है। वो अपने खाली समय में जुम्बा करती हैं। रवीना टंडन उन लोगों में से हैं जो ऑर्गेनिक फूड को अपनी डाइट का हिस्सा बनाने में यकीन रखती हैं। रवीना टंडन ज्यादातर अपने फार्म पर उगाई हुई सब्जियां और मसालों को ही इस्तेमाल करती हैं। इतना ही नहीं, जो घी वो अपने खाने में इस्तेमाल करती हैं, उसे भी घर पर ही तैयार किया जाता है। रवीना लंच में दाल, सब्जी, चावल, रोटी और दही खाना पसंद करती हैं। अब जिस हिसाब से रवीना ने अपने किरदार के लिए तैयारी की है, उससे तो यही लगता है कि वो हमें KGF 2 में अपने रोल से इम्प्रेस करने वाली है। आपको बता दें कि KGF 2 को काफी बड़े लेवल पर बनाया गया है, और इस फिल्म के लिए अभी से ही लोगों के बीच भारी एक्साइटमेंट और जोश देखने को मिल रहा है। अब ये फिल्म जब भी थिएटर्स में आएगी, क्या धमाका होगा ये तो फिल्म के रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा। अब हम तो इस फिल्म को देखने के लिए काफी एक्साइटेड हैं। आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप कितने एक्साइटेड हैं KGF Chapter 2 के लिए, और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज़।